Hello all. I welcome you all on behalf of vidigye your best pal for CLAD preparations. Here at vidigye we have come up with this unique initiative wherein we'll be doing through a series of sessions a 360-degree analysis of those topics which are relevant and important as far as CLAD 2021 exam is concerned. So for today, our topic for the discussion is small saving instrument issue. This issue was recently in news, so that's why we had taken this topic into account. And if we have a look at the actual CRED 2020 paper, the second passage was talking about uh, or was on the terms of the economy, right? Uh, banking, FDI inflows, OMO, open market operations. So this topic is also of similar nature only. So so that's why we have taken this topic into account. So I'll just you know let you go through the table of content that how we are going to proceed in this session. First of all, we'll see why this thing particular was in news. Then we'll have a look at.

We are ready to begin. So a quote, uh, ships in harbor are safe, but that that's not what ships are built for. This quote is self explanatory, and if you, you know, if you aim big or if you aim high, then you you have to, you know, work very hard. You have to work relentlessly for that. So ships in harbor are safe, but that's not what ships are built for. You can't be in your comfort zone and you want it wanted that yes, I want this particular college or I want this particular school. So, you have to, you know, uh, walk with that, walk to the extra mile, right? So, the only difference between ordinary and extraordinary is that extra. So, it's high time we need to put that extra effort for our exams, okay? So, we'll just start. So, what, why it was in news recently? Because the government has sharply slashed, slashed, you can say, decreased, okay, the rates on

क्या कर लिया गया है हटा दिया गया मतलब दैट इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट राइट तो ये इसी वजह से न्यूज में था एट स्मॉल we'll होती क्या है? स्मॉल इन्वेस्टमेंट देखिए देर इज ऑलवेज अ ब्रिज बिटवीन सम पीपल दो पीपल हु गो टू बैंक फॉर लोन्स बट दो पीपल फंड दे दैट देयर

रेट मिलता है प्रोविडेंट फंड पोस्ट ऑफिस टाइम डिपोजिट स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम किसान विकास केवीपी विकास पत्र सुकन्या समृद्धि योजना तो ये सब चीजें स्मॉल स्कीम में आती है यहाँ पे अपने काफी चंक ऑफ पॉपुलेशन क्या करती है इसमें पैसा इन्वेस्ट करती है और फॉर ए बेटर एंड ब्राइटर फ्यूचर राइट दी स्कीम्स पोस्ट ऑफिसेस एक बहुत बड़ा यू नो यू कैन से जो एक रोल प्ले करता है कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्त सरप्लस फंड वो वहां जाके थ्रू ऑलियसम पोस्ट ऑफिस वन ईयर थ्री इयर फाइव ईयर टेन ईयर उसमें इन्वेस्ट इवन मंथली एज वेल इन्वेस्ट कर सकते हैं I hope, यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी और इवन ये बैंक्स के थ्रू होता है एट थाउजेंड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ग्रामीण आगे बढ़ते हैं इसका purpose क्या रहता है कि क्यों लोग यहां पर इन्वेस्ट करते हैं मैंने आपको बताया ना सेफ्टी सिक्योरिटी रिटायरमेंट के हिसाब से या इफ आई नो 10 टेन डाउन द लाइन माई डॉटर विल बी गेटिंग मैरिड और माई सन विल बी गेटिंग मैरिड तो उसी के हिसाब से मेरे को अभी से ही प्रेडिक्शन करना है कितना अमाउंट मुझे करना है अभी से इन्वेस्ट सो दैट एट दैट मूमेंट आफ्टर टेन ईयर्स टेन ईयर्स डाउन द लाइन आई बी एबल टू है लोग क्या करते हैं पीपल टेन्स टू इन्वेस्ट इन दीज स्मॉल सेविंग स्कीम्स बट रिसेंटली न्यूज में क्या था कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया और उसी रूल को वापस रोल बैक कर लिया गया द सेविंग थ्रू दी स्कीम फॉर इमरजेंसी रिटायरमेंट हाई एजुकेशन चिल्ड्रन एजुकेशन मैरिज एट द टाइम ऑफ जॉब लॉस टू मतलब किसी भी तरह की इमरजेंसी इंसर्जेंसी ऐसी कोई सिचुएशन जब अपन को पैसों की जरूरत है तो उसी वजह से ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ना केवल स्मॉल सेविंग स्कीम में बट कहीं पे भी इफ आई से कि कहीं पे भी अगर कोई पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका पर्पज रहता है कि फ्यूचर ही कोई भी अनसर्टेनिटी है तो उसको उससे वो लड़ सके या उससे कहीं ना कहीं बाहर आ सके इंटरेस्ट रेट फॉर दी स्कीम्स आर पीरियोडिकली अपडेटेड ठीक है नेक्स्ट डिपोजिटिंग हार्ड अर्ड एक्स मनी एन सेल हेल्प सिक्योर इट फॉर फ्यूचर नीड जो अपने डिस्कस किया एंड होल्डिंग ऑन टू लिक्विड मनी मे नॉट बी सेफ इट इज बेटर नॉट दट यू आर पुटिंग योर सम इन टू बैंक स्मॉल सेविंग स्कीम और यूर इन्वेस्टिंग समथिंगम एंड वन फाइन दे थी सो इट्स बेटर टू यू नो बिकॉज उसके इफ आई सेटेज ऑफ इट योर यू आर गेटिंग योर अमाउंट योर सम इज

अब इसमें अलग-अलग तरीके से बताया गया कहां-कहां पे कितने-कितने बेस पॉइंट से बेसिस पॉइंट जो मैंने आपको बोला था आई विल टेल यू बेसिस पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि 40 बेसिस पॉइंट्स अगर कोई पर्टिकुलर चीज कम हुई तो 40 का मतलब हो गया 0.40 मतलब कहीं पे अगर आपको पहले इंटरेस्ट मिल रहा था 6% तो अब मिलेगा आपको 5.60 ठीक है और अगर मैं 110 बेसिस पॉइंट्स की बात करता हूं 1.10 बेसिस पॉइंट तो वो हो गया 1.10 तो पहले अगर मेरे को 6% परसेंट इंटरेस्ट रेट मिलता था किसी इन्वेस्टमेंट पे तो अब मुझे कितना मिलेगा 4.90 परसेंट पर एन इंटरेस्ट ही मेरे को मिलेगा क्लियर है आगे बढ़ते हैं और अगर बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो तो उसमें क्या हुआ सेवन से 6.4 परसेंट मतलब 70 बेसिस पॉइंट्स का उसमें डिक्रीज हुआ तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 40 बेसिस पॉइंट एंड इट वेंट अप अपूरेड 110 बेसिस पॉइंट मतलब 0.40 परसेंट से 1.10 पॉइंट तक का डिक्रीज आया है बट जिसको वापस ले लिया गया दार्पेस्ट कट अनाउंस अर्लीयर वो सीन इन द्वार्टरली इंटरेस्ट रेट पीरियड ऑन वन ईयर टर्म डिपोजिट ये पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा है जहां पे 5.5% पॉइंट अपन को मिलता था और उसको कितना कर दिया जो आया था वहां पे रूल कि 4.4 परसेंट मतलब 1.10 परसेंट डिक्रीज कर दिया और 110 क्या कर दिया बेसिस पॉइंट्स से डिक्रीज कर दिया क्लियर है फिर सीनियर सिटीजन की बात करें 7.4 परसेंट से 6.5 परसेंट सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम जो सबसे ज्यादा रिटर्न फैच करती है उसको भी सेवन से सिक्स दिस इज बेसिकली फॉर डॉटर्स कि आ, उनकी एजुकेशन के लिए या उनकी मैरिज के हिसाब से अगर अपन को इफ समिंग्स की आफ्टर टेन ईयर्स और फिफ्टीन ईयर डाउन द लाइन आई विल बी नीड ऑफ दिस मच सम तो सुकन्या समृद्धि योजना कैन बी ए गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट वेल सेविंग डिपॉजिट अट द लोवेस्ट रेट ऑफ फोर नाउ दैट रिटर्न हैज नाउ बीन फर्द साढ़े तीन थ्री पॉइंट फाइव परसेंट जो ऑलरेडी सेविंग का स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में सेविंग अकाउंट पे सेविंग डिपॉजिट्स पर फोर परसेंट मिल रहा था इज वेर मिनिमम उससे ज्यादा तो वी द कंट्री राइट इफ यू कंपेयर तो 4 परसेंट से उसको भी कम करके 50 बेसिस क्लियर मतलब है फाइव ईयर डिपॉजिट पर भी रिडक्शन हुआ 6.7% पॉइंट 5.8% परसेंट मतलब 90 फाइव पॉइंट एट परसेंट मतलब नाइनटी बेसिस हुआ अब समझते कैसे पहले क्या था और बाद में क्या कर दिया गया तो पहले रेटिल थर्टी ऑफ मार्च हालांकि ये चेंज नहीं हुआ है वापस ये पुरानी रेट ही जो है यही विल बी इनटू अकाउंट इनटू टू यही चलेगी बट जो आया था उसके बारे में अपन समझते हैं तो वो क्या बोल रहा था सेविंग डिपॉजिट पे फोर से सीधा मतलब फिफ्टी बेसिस पॉइंट वन ईयर टर्म डिपॉजिट जो मैंने बोला सबसे ज्यादा वन हंड्रेड टेन बेसिस पॉइंट फिर टू ईयर थ्री ईयर मतलब सभी पे क्या हुआ एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम किसान विकास पत्र सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम योजना इन परसेंट हो गया तो सभी में क्या हो गया गवर्नमेंट ने क्या कर दी थे रेट्स क्या कर दिए थे डिक्रीज कर दिए थे स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्लियर है आई होप यहां तक चीजें क्लियर है आगे बढ़ते द रोल बैक अब जैसे ये आया न्यूज में तो काफी इसका क्रिटिसिज्म हुआ कि ऑलरेडी देखिए एक चीज समझिए यहां एक चीज अपन को समझना बहुत जरूरी है कि अगर गवर्नमेंट को भी पैसा जो होता है गवर्नमेंट इसी से ये सब गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट खुद ये पैसा रखती है राइट और इंटरेस्ट देती है तो गवर्नमेंट को अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए कम ब्याज पे अगर पैसा चाहिएगा देखिए एक चीज यहां समझिए कि जो डिफरेंस होता है मैं बैंक के तालुकात में आपको समझाने की कोशिश करता हूं अगर बैंक अगर किसी को पांच परसेंट ब्याज दे रही है और उसको दस परसेंट पे दे रही है अगर वो लोन कोई दूसरा थर्ड पार्टी मांगने आ रहा है तो जो पांच परसेंट उसका गैप वो, वो, उसका प्रॉफिट हो गया इन द सेम वे अगर वो ही पांच परसेंट को अगर जो इंटरेस्ट अभी बैंक दे रही कोई वो अगर तीन परसेंट कर दे तो आई थिंक वो ऐसी पोजीशन में होगी कि आठ या साढ़े आठ परसेंट में वो लोन दे दे बिकॉज उनको ही अगर कम इंटरेस्ट पे आ रहा है तो वो आगे भी कम इंटरेस्ट पे दे पाएंगे तो इसी वजह से गवर्नमेंट ये लेके आई कि अगर इस यहां पे इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट है अगर वो कम देना पड़ेगा गवर्नमेंट को तो जब आगे गवर्नमेंट को और पैसों की जरूरत होगी तो गवर्नमेंट उससे कम पैसों में ले पाएगी बट वो अगर लोगों को ही ज्यादा पैसों पे दे रही है फाइव परसेंट सिक्स परसेंट एट परसेंट तो गवर्नमेंट को जब पैसों की जरूरत होगी तो उसके पास उसको भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा आई होप चीजें क्लियर है आपके सिंपल है अगर बैंक को कोई कोई अगर इन्वेस्टमेंट पे बैंक अगर रिटर्न थ्री परसेंट दे रहा है तो दैट इज इन इन द कंडीशन की वो आठ परसेंट वापस उसको पांच परसेंट का मार्जिन रख के लोन दे दे बट अगर बैंक की छह परसेंट सात परसेंट अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो कैसे वो आठ परसेंट या नौ पर दे देगा राइट बिकॉज द द डिफरेंस ऑफ दैट इज मार्जिन ओनली ना तो गवर्नमेंट को ऐसा था कि उनको लोन सस्ते पे मिल जाए कम इंटरेस्ट रेट पे मिले बट कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा था अपनी काफी चंक ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है बिकॉज काफी लोग अपने यहाँ पे थ्रू पोस्ट ऑफिसेस एंड थ्रू बैंक क्या करते हैं पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन दीज स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट क्लियर है और विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स और आई कैन से लेस देन ट्वेंटी फोर आवर्स को रोल बैक कर लिया गया और वापस से ले लिया गया और निर्मला सीतारामन दाइनेंस मिनिस्टर क्लियर है आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर हुई है अपन को एक पर्टिकुलर जो ऑर्डर था वो आया विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स थ्रू ए ट्वीट वापस ले लिया गया बट अपने समझा स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं आ, कौन कौन से होते हैं एक को ये समझने की कोशिश करी कि इनको कम करने का कारण क्या हो सकता है बिकॉज कम रेट में मिलेगा तभी जब गवर्नमेंट को आ, आगे जब देना होगा या इन्वेस्ट करेगा तब कहीं ना कहीं उनको एक फायदा होगा अगर वो ऑलरेडी ज्यादा रेट पे लेंगे तो उनको चुकाना भी ज्यादा पड़ेगा पैसा जो अपने बैंकिंग के तलुकात में एक्जाम्पल देखा था अब अगर, अगर अपन कंपेयर करते हैं दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एज फार एज आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट अगर टू से टू को कंपेयर करें तो कोई ऐसा नहीं कि मतलब रेट्स uh, बढ़ी है इन्वेस्टमेंट की और कमी हुई है तो अगर देखें सेविंग अकाउंट फोर पहले फोर परसेंट थी जो ब्लू में है दैट इज अबाउट टू राइट और टू दोनों का तो सेविंग अकाउंट पहले फोर परसेंट पर एनम ये सब पर एनम एम साल भर की बात होती है ना तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट फोर परसेंट और अभी भी इवन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर परसेंट ही है वन ईयर डिपॉजिट एट पॉइंट फोर परसेंट था एक साल के लिए पोस्ट ऑफिस में अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट right की बात करो एनएससी की बात करो किसान विकास पत्र की बात करो सुकन्या समृद्धि योजना की बात करो तो सभी में क्या हुआ अगर 2015 से 2020 की अगर कंपेयर करते हैं तो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने काफी कम कर दिए हैं इससे गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं काफी फायदा है बट अगर अब एज एन इंडिविजुअल एज एन इन्वेस्टर देखे तो एक बहुत बड़ा uh, जो डिक्रीज है वो आया है क्लियर है ये लास्ट स्लाइड है uh, टॉपिक टॉपिक के रिगार्डिंग और उसके बाद क्विज तो है ही अपना सिक्स क्वेश्चन का इसकी इंपॉर्टेंस क्या है द गवर्नमेंट बैग स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऑफर सेफ एंड सेक्टिव इन्वेस्टमेंट जो अपन ने पहले भी पढ़ा है पैसा सेफ है कोई रिस्क नहीं है यहां हियर वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी या और म्यूचुअल फंड जहां पे अपन को रिस्क है कि नहीं पैसा डूब सकता है या कहीं ना कहीं रिस्क एवेन्यू रिस्क इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है बट इसमें कोई रिस्क नहीं है और दैट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल क्लियर एंड ए कैपिटल फूल फॉर गवर्नमेंट टू क्या टैप इनटू गवर्नमेंट उस पैसे को यूटिलाइज करती है बजट में अपन ने देखा ही है जितना रेवेन्यू रहता है और जितना गवर्नमेंट अगले साल बजटेड बनाती है कि इतना एक्सपेंडिचर हम करेंगे तो उसमें जो तो डिफरेंस रहता है तो उसको उस पूल को जो तो डिफरेंस है जो उनके पास कम है पैसा उसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है ये पैसा लेती है और अगर कहीं ना कहीं अगर उस पर इंटरेस्ट कम गवर्नमेंट को देना पड़ेगा तो गवर्नमेंट का फायदा ही है क्लियर दे कम विद सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी एंड द मनी रेस्ड वाई देम गोज टू देंटर जैसा मैंने अभी आपको बुलाया बताया लास्ट गवर्नमेंट रिलायज ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम टू फाइनेंस इट्स फिस्कल डेफिसिट जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि जितना एक्चुअल गवर्नमेंट को रिसीव होने वाला पैसा और जितना एक्सपेंडिचर करने वाले एक्सपेंडिचर तो हमेशा ज्यादा ही होता है इन टर्म्स ऑफ टर्मसिव राइट इसीलिए डेफिसिट है अगर वो अदर वे राउंड होता तो सरप्लस होता बट यहां पे है। तो स्मॉल सेविंग फंडेडेंट ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ द सेंटर्स फंड फिजिकल डेफिसिट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी के वित्तीय वर्ष में छब्बीस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी डेफिसिट की वो छब्बीस परसेंट

कि जो रेट्स है वो वापस से ले ली गई है और जो ऑलरेडी काफी कम थी जब अपने टू थाउजेंड से कंपेयर करा तो और कम नहीं हुई और उनको कहीं ना कहीं आ, वहीं पे रहने दिया जो फर्स्ट जो फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 था उसी को ही ट्वेंटी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 22 में चलाया गया क्लियर है आई थिंक यहाँ पे चीजें क्लियर होगी अपन ने सारी चीजें तालुकात में सब समझ ली नाउ विल जस्ट मूव टू दर इंटरेस्टिंग सेक्शन दैट इज क्विज सो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन within 24 hours of announcing a sharp cut of dash in interest rate on various small savings schemes the government withdrew its order on Thursday which of the following has been replaced by one to maine aapko bataya tha कितने परसेंटेज से 0.4 से 1.10 तो अपन अगर उसको बेसिस पॉइंट में बोले तो 40 बेसिस पॉइंट से 1.10 बेसिस पॉइंट्स so the correct answer is option

पी पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये भी था के किसान गोल्ड कार्ड ये नहीं था सो दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट स्कीम ओके क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ ऑल द स्कीम विच वन ऑफ द फॉलोइंग द रिटर्न ये अपन ने इफ यू हैव यू नो क्लोजली लुक्ड एट द चार्ट एंड इवन आई हैड स्ट्रेस्ड अपॉन दैट एज वेल कि कौन सबसे रिटर्न फेच करता है किसमें सबसे रिटर्न मिलता है

Uh, we have got a good overview, good gist of this particular topic. And I had already told you the importance of this topic and relevance of this topic as far as uh, with regards to CLAT 2020 actual exam paper, the passage number two. Okay. So uh, I think we are good to go. Uh, the same quote you get in life what you have the courage to ask for. So I'd already told you, you need to, you know, go to the extra mile right now. So. That's it. Uh, be positive, stay logical, and stay ahead with vidigye your best pal for CLAT preparations. And, and to get this content and all other stuff relating to CLAT and other law entrance exam, you can visit the URL which has been uh, provided in the description. That's all from my side. Thanks for watching. Thank you.